महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सोमवार को विश्वविद्यालय की नैक तैयारी की समीक्षा महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के विशेष कार्याधिकारी डॉ. पंकज एल जानी द्वारा की गई। डॉ. भगवान दास केंद्रीय पुस्तकालय के समिति कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में डॉ. पंकज एल जानी ने नैक की तैयारियों के लिए टीम वर्क की भावना के साथ काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि काशी विद्यापीठ के उज्ज्वल भविष्य के लिए नैक में A++ ग्रेड लाना होगा। इसके लिए हमें मिलकर अपने कमियों को दूर करना होगा। साथ ही उन्होंने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का भी सुझाव दिया। विशेष कार्याधिकारी ने कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की तारीफ करते हुए कहा कि महामहिम ऐसे कुलाधिपति हैं जो विश्वविद्यालय के नैक ग्रेडिंग के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह अंतिम नैक मूल्यांकन है, इसमें अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त करना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। यह ग्रेडिंग ही उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास बनेगा कि देश में सबसे अधिक नैक A++ ग्रेडिंग हासिल करने वाला राज्य होगा, जिसमें काशी विद्यापीठ का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस योगदान के लिए हम सभी को एक मनोबल के साथ साधना साध्य के रूप में कार्य करना होगा। समीक्षा बैठक में काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलसचिव डॉ. सुनीता पांडे, विश्वविद्यालय की रैंकिंग एवं एक्रीडिटेशन सेल के निदेशक प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, कुलानुशासक प्रोफेसर के सिंह के साथ सभी संकायाध्यक्ष, निदेशक, विभागाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। भवन से हमारे प्रोफेसर पंकज जानी साहब थे, जो OSD हैं यानी गवर्नर के। वो क्या है, जो हमारी तैयारी चल रही है नैक, जो हमारी टीम आने वाली है 7-8-9 में अक्टूबर में, उसी सिलसिले में जो अभी तक हमारा क्या कितनी तैयारी की, उसी सिलसिले चेक करने के लिए आए थे कि क्या प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि हमें A++ लेके आना है। क्योंकि राजभवन शुरू से, जब से यानी 2019 से उन्होंने शुरू किया, कई बार हम लोग राजभवन भी जाके वहाँ तैयारी के सिलसिले में प्रेजेंटेशन भी दिया। उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम था कि लास्ट फेज में कि जो भी जो अच्छा हो।